अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके लैपटॉप की स्पीड स्लो है? क्या आपको बार बार इश्यूज आते हैं? अपने विंडो को क्रैश होती है आपकी विंडो, या आपकी परफॉर्मेंस लैपटॉप की आपको अच्छी नहीं मिल पाती है? आपका लैपटॉप स्लो चलता है या डेस्कटॉप पीसी स्लो है आपका? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हम अपने लैपटॉप की पीसी की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस कैसे अपने लैपटॉप पीसी की ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नंबर वन स्टेप आपने ये करना है कि अपने डेस्कटॉप पीसी जिस पर भी आप काम कर रहे हैं, आपने चेक फॉर अपडेट्स करके अपने जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ड्राइवर हैं या विंडो है, उसको पहले अपडेट कर लेना है। तो आइए, सिंपल टास्क बार में आप लिखिए चेक फॉर अपडेट, और जो पहला ऑप्शन आइए आप चेक करिए और विंडोज अपडेट में जाके चेक फॉर अपडेट पर आप चेक कीजिए, और जितने भी यहाँ पे विंडोज की अपडेट्स या ड्राइवर या जो भी चीज पैकेजेस आए वो आपने सारे लेटेस्ट वाले इंस्टॉल कर लेने हैं। अभी तो मेरा अप टू डेट ही सिस्टम है, तो आपके पास जो भी यहाँ पे आ रहे होंगे सारे ऑप्शनल अपडेट, जितनी भी अपडेट्स आपने अपडेट कर लेनी है। सेकंड स्टेप, आपने जो है अपने वायरस स्कैन करने हैं कि आपके सिस्टम में कोई वायरस तो नहीं जिसकी वजह से आपकी स्पीड लैपटॉप या पीसी की स्लो हो रही है। तो आपने जो भी आप यूज कर रहे हैं एंटीवायरस, उसमें आ जाइए आप। मैं तो विंडोज का सिक्योरिटी ही एंटीवायरस यूज कर रहा होता हूँ, तो इसमें आकर आप स्कैन ऑप्शन में आइए और फुल स्कैन एक बार रन कर लीजिए। जितने भी आपके सिस्टम में वायरसेस होंगे वो सब पकड़ कर ये सब डिलीट कर देगा, जिससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस फास्ट होगी। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि डिलीट अननेसेसरी फाइल्स। आपकी सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स जो है विंडोज अपनी टेम्पररी फाइल भी बना रहा होता है, और इसके अलावा हमारे रिसाइकल बिन में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, और आपके सिस्टम में भी एक्स्ट्रा फाइल्स आपके पास पड़ी हुई होती हैं, लेकिन आप डिलीट नहीं करते, जिसकी वजह से सिस्टम में बहुत मैसअप हो जाता है और बहुत चीजें जो है इतनी सारी हो जाती हैं कि आपका सिस्टम स्लो होने लगता है। तो आपने जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स हैं वो डिलीट करनी है। आप विंडोज आर प्रेस कीजिए, आप TEMP टेम्प लिखिए और परसेंटेज का साइन दिलाइए, आप ओके कीजिए। यहाँ पे जितनी भी टेम्पररी फाइल होंगी इसे कंट्रोल ए करके आपने डिलीट कर देना है। ये अब डिलीट नहीं कर रही क्योंकि मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे जितनी फाइल्स होंगी डिलीट कर लेनी है, और जो नहीं हो रही है वो आपने स्किप कर देनी है। तो ये करने के बाद आपने आप पर जो रिसाइकल बिन में आपके पास जो फाइल्स पड़ी हुई हैं वो भी आपने रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी कर लेना है, और आपने अपना स्टोरेज यहाँ पे लिखना है। स्टोरेज सेटिंग्स में जाएंगे आप, स्टोरेज सेटिंग में यहाँ पर आपने स्टोरेज में स्टोरेज सेंस ऑटोमेटिकली फ्री द स्पेस ये आपने ऑन करके रखा, यहाँ पर भी जैसे टेम्पररी फाइल्स का ऑप्शन आ रहा होता है तो यहाँ से भी जाके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ऑप्शन भी ऑन कर लेना है। ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर रहा होगा आपके पास जो आपकी टेम्पररी फाइल बन रही हो। और जो फोर्थ मेथड या फोर्थ स्टेप है हमारा, वो है डिस्क क्लीनअप एंड ऑप्टिमाइज़ ड्राइव। तो आप ये कैसे करेंगे, आप डिस्क पीसी में आ जाइए अपने, और सी में आप जाइए प्रॉपर्टीज में, आप यहाँ पर डिस्क क्लीनअप लिखा हुआ आ रहा होगा, आप इस पे जाइए और क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पर चेक कीजिए, और ये एक बार एनालाइज करेगा कि इतनी कैलकुलेट करेगा क्या क्या चीजें आपके हैं, और जितनी भी चेक यहाँ पे हैं सारे आपने चेक कर लेने हैं और यहाँ पे ओके करके इसको एक बार डिलीट कर देना है। तो इससे भी जितनी भी टेम्पररी फाइल्स हमारी हिडन होती हैं, विंडोज अपडेट की फाइल्स होती हैं, वो हमारे पास विंडो बना रहा होता है, तो वो भी सारी डिलीट हो जाएंगी यहाँ से आपकी। इसके बाद आपने ये करना है, आपने यहीं पर ही जनरल में आ जाने के बाद आपने फिर टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपने कोई आपकी जो ड्राइव है या जो भी SSD हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं आप, उसमें कोई मसला तो नहीं है, वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ से स्कैन ड्राइव करके जितने भी इशूज होंगे वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व कर देगा आपके ड्राइव के। सेकंड चीज आपने ये करनी है कि आपने अपनी या SSD हार्ड डिस्क जो भी आप यूज कर रहे हैं उसकी जितनी भी ड्राइव आपने बनाई हुई उनको ऑप्टिमाइज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सी में है अभी, टी को मैं ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, तो इसी तरीके से ई को भी मैं अपनी ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, और इसको भी ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग में आप क्या रन है वीकली या डेली भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका तो फिफ्थ स्टेप है वो ये है कि आपने अनइंस्टॉल करने हैं अपने अननेसेसरी सॉफ्टवेयर। आप अपने सिस्टम में अननेसेसरी सॉफ्टवेयर भी डाल लेते हैं बहुत सारे। आपने इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो आपने जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हैं या आपके काम के नहीं है तो आपने सिस्टम में आप ना रखिए उसको, आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आप कंट्रोल पैनल में आ जाइए, यहाँ से भी आपको यहाँ नहीं मिल रहा तो आप सिंपल सर्च बार में क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल, यहाँ से आ जाइए। प्रोग्राम आपके पास आ रहा होगा, प्रोग्राम में यहाँ आपने अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे चेक करना, और यहाँ पे जितने भी आप समझते हैं कि आपके प्रोग्राम वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर जो आप यूज नहीं कर रहे हैं वो आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर रहे हैं। सिक्स स्टेप जो है आपका वो ये है, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है पावर मोड का, हमेशा आप इसको बेस्ट परफॉर्मेंस पर रखिए, इससे आपकी पावर ही ज्यादा तो लेगा लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी देगा। क्या आपने अपने ग्राफिक्स या एनिमेशन जो आपकी होती हैं जो सिस्टम ये मिनिमाइज कर रहे होते हैं, सिस्टम इसको फोल्डर या फाइल्स को ओपन कर रहे होते हैं, जिस तरीके से ये एनिमेशन आ रही होती हैं, तो इनको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, आपने यहाँ लिखना है सिंपल
एग्जांपल पावर परफॉर्मेंस, आप सिर्फ परफॉर्मेंस लिखने की टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एडजस्ट द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज, तो आपने क्लिक कर देना है और ये परफॉर्मेंस ऑप्शन जो आएंगे आपने यहाँ पे आप बेस्ट अपीयरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस से सिलेक्ट करके इसको अप्लाई करके ओके कर दें, इससे भी आपकी डेफिनेटली स्पीड अप होगी, लेकिन अपीयरेंस के ग्राफिक्स इससे आपको अच्छी नहीं मिलेंगी। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या लेटेस्ट विंडोज टू माय कंप्यूटर ये भी कर लें, लेकिन अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस का चेक करके अप्लाई ओके कर दें। तो हमारा सिक्स स्टेप ये है कि आप जब भी विंडोज अपनी बूटअप करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सिस्टम, तो आपके पास कुछ स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं जो एकदम ओपन हो रहे होते हैं और कुछ बिल्कुल अनयूजलेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप हमेशा देखेंगे कि यहाँ पे जब भी आप स्टार्टअप करेंगे तो सात सात प्रोग्राम आपके इंस्टॉल होंगे, तो उनको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। स्टार्टअप एप्स दिखेंगे, आप ये जो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है इस पर आपने चेक कर देना, यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप प्रोग्राम थे जब आपकी विंडो बूटअप होके ऑन होती है तो यहाँ पे वो सब आप जो आपको जो रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम वो आप ऑन करके रखिए, बाकी सारे डिसेबल कर दीजिए। स्टार्टअप इम्पैक्ट जो है आपका अच्छा होगा और सिस्टम जो है ज्यादा हैवी नहीं होगा, आपका फास्ट चलेगा इससे भी। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है आपका, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपना हार्डवेयर को अपग्रेड कीजिए। लोगों के लैपटॉप में 4 GB की रैम होती है, 8 GB की करवा लीजिए, 8 GB हो तो 16 GB करवा लीजिए। आप अपने अपने जो है यूजेज के हिसाब से अपनी रैम को अपडेट कीजिए। और ज्यादातर लोग आजकल अभी ये नहीं पता लोगों को कि SSD और HDD में फर्क नहीं मालूम। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो भी मुझे बता दिए, SSD और HDD की हार्ड डिस्क से ऊपर मैं इसमें वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा। लेकिन ये बस सिंपल वर्ड्स में ये समझ लीजिए कि जो हमारी SSD है वो बहुत ज्यादा फास्टर है हार्ड डिस्क से, तो आपको SSD लाजमी अपने सिस्टम में लगवानी चाहिए और अपनी विंडोज की प्रोग्राम फाइल जो होती है सारी SSD के अंदर इंस्टॉल करनी चाहिए, जिससे आपकी डेफिनेटली स्पीड बहुत ज्यादा बूस्ट होगी। तो ये एक तरीका है अपने हार्डवेयर को अपडेट करके भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो ये है कि नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि हम जो आप अगर डेस्कटॉप या PC यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लोग सालों साल इसको साफ नहीं करते हैं, इसमें डस्ट जमा हो जाती है। और हमारे पाकिस्तान में आपको तो पता ही है कितनी डस्ट है, तो कराची में कितनी डस्ट होती है। तो आप सिंपल आप ये करें, हर महीने एक बार आप ब्लोअर रख लें, आप ब्लोअर साफ करें, या कहीं शॉपकीपर के पास जाकर भी आप अपने लैपटॉप की एक पूरी अच्छी तरीके से सफाई करवा सकते हैं। तो सफाई करवाने से भी डेफिनेटली आपकी जो हार्डवेयर की हेल्थ है और लाइफ है वो भी इंक्रीज होगी और आपके सिस्टम की स्पीड भी बूस्ट होगी। अगर फिर भी आपका जो सिस्टम है या फिर आपका लैपटॉप है ये सारे स्टेप करने के बाद भी बूटअप अच्छा नहीं हो रहा है या स्पीड अच्छी नहीं आ रही है, तो आप अपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब विंडोज यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, आप उसको एक बार रीइंस्टॉल कर लीजिए, फ्रेश विंडो करिए। इससे भी आपकी डेफिनेटली विंडोज की स्पीड अच्छी होगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बहुत सारी जमा हो जाती हैं, तो आप पूरी फ्रेश एक विंडो कर लीजिए, उससे भी आपकी स्पीड बेहतर होगी। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी लैपटॉप या PC या डेस्कटॉप की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, इसे परफॉर्मेंस में डेफिनेटली इंक्रीज ला सकते हैं। कैसे लगी ये तरीके और ये सारे तरीके आपने यूज किए और उसके बाद आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बूस्ट अप हुई या नहीं हुई, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।